हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे लाए हम आपके लिए, 3 और 4 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। ये जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। DSSSB में आ चुके क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये DSSSB TGT में आया है 4 सितंबर 2021 शिफ्ट 1 मेल वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया। ओके, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट वैल्यू और वैल्यू जो ऑफ दिस फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूस। पहले बात करते हैं सर डिस्कंटिन्यूस क्या होता है। डिस्कंटिन्यूस का मतलब है कि जैसे हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाए, हमने ग्राफ बनाया किसी पॉइंट पे बनाया, 1, 2, 3 जितने भी पॉइंट बनाए आप, इंटीग्रल पॉइंट पे ग्राफ बनाया मैंने, तो ग्राफ जैसे ये बना रहे, तो इस ग्राफ का मतलब ये जो पेन की नेब है वो उठे ना, कंटिन्यू चलता रहे, यानी ग्राफ है वो ब्रेक ना हो, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। और अगर ग्राफ ब्रेक हो गया कहीं तो वो बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हम कहते हैं। तो इसी प्रकार हम ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ये कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, और हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि ये कैसे प्रूव कैसे करना होता है, सॉल्व कैसे करना होता है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ओके, देखिएगा, तो सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ते हैं कि fx = x + 4 है। fx = x + 4 है कब x + 4 है, जब x < -1 है। यानी अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं, x + 4 कब होता है हमारे पास, जब x < -1। दैट मीन्स अगर वैल्यू x की -1 या 1 से लेस देन है तब फंक्शन हमारा ये रहता है x + 4। अब दूसरा क्या कह रहा केस कि x² कब होता है, जब हमारा ये फंक्शन है यानी x > -1 है तब फंक्शन हमारा x² रहता है। क्लियर। और 2 - x कब होता है, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, 2 - x होता है जब x की वैल्यू, तो यहां क्रिटिकल पॉइंट 2 दिए गए, एक 1 और -1 पे, तो हम 1 पे भी चेक करेंगे और -1 पे भी चेक करेंगे किस पर कंटिन्यूस और किस पर डिसकंटिन्यूस है। हमसे पूछा डिसकंटिन्यूस गया, तो यानी हमारा ग्राफ अगर जिस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम देखते हैं -1 है और यहां -1 है, दोनों जगह पे है, तो हम ग्राफ को बनाते हैं। अगर हम -1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ -1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आ गया, एक ही सेकंड डायरेक्ट ओनली क्वेश्चन बता सकते हैं कैसे। -1 पे चेक किया, यहाँ पुट किया कितना आया 3, और यहाँ पुट किया कितना आया 1, यानी इक्वल नहीं आया। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आई तो डिसकंटिन्यूस, अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो ये हमारा होता है कंटिन्यूस। क्या होता है, कंटिन्यूस। क्लियर ना। देखिए तो x प्लस 4 एक लीनियर है, लीनियर की लाइन बनेगी, और x = -1 यहाँ पर है, x = -1 यहाँ पर है, तो x + 4 यानी वैल्यू क्या आ रही, 3 आ रही, -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही, तो 3 हमारा बाई पर 3 यहाँ पर हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर ना, क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ गई। अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, यानी हमारा जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो किस वाले का बताया मैंने, x + 4 का, कुछ इस टाइप से बनेगा ग्राफ। अब x की वैल्यू > -1 है तो x² मतलब पैराबोलिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, तो -1 से बड़ी रखेंगे तो ग्राफ अलग बनेगा। मतलब ग्राफ में क्या था, अगर हम ग्राफ बनाएं हमें पेन की निब ना उठानी पड़े, तो ये क्या हो जाता है कंटिन्यूस। अब यहाँ पेन की निब हमें उठानी पड़ेगी तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। ये तो ग्राफ से बताया, अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। तो हमें देखना होता है, जैसे ये हमारे पास -1 है तो -1 के नेबरहुड देखते हैं, नेबरहुड मतलब इधर साइड और हम इधर साइड। अब इधर साइड का मतलब क्या हो गया, प्लस, यानी हम यहां पर आए टेंस कराया, और इधर साइड का मतलब क्या हो गया माइनस। नेबरहुड देखने हमें क्या देखने हैं, नेबरहुड। अब देखिए तो लिमिट इस इधर साइड वाले को हम बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट साइड चले, इधर साइड को बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। तो अगर दोनों इक्वल है तो हमारा कंटिन्यूस है, इक्वल नहीं है डिसकंटिन्यूस है। समझ में, देखो ओरली चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेन को यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करिए देख लीजिए, अगर इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूस, इक्वल नहीं है डिसकंटिन्यूस। अब देखिए लिमिट x → -1 - मतलब इधर साइड हम आए इधर साइड, और fx
और जब हम करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस, अब इसमें कुछ हम जोड़ेंगे, जब इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इधर साइड आएंगे ना, और जब इसमें कुछ हम ऐड करेंगे तो इधर साइड आएंगे, है ना। तो माइनस वन में कुछ ऐड किया, इधर क्या किया सब्ट्रैक्ट, यानी हम इधर पड़ोसियों की बात कर ली हमने इस पॉइंट की, अगर ये इक्वल आ गए सही है। अब जब इधर करेंगे तो वैल्यू बताइए माइनस वन से कैसी होगी, स्मॉल, स्मॉल के लिए क्या है फंक्शन एक्स प्लस फोर। देखिए ना, जब माइनस वन में कुछ माइनस किया, क्या किया माइनस, तो हम इधर साइड आ गए तो इधर साइड वैल्यू कैसी होगी माइनस वन, इधर छोटी होगी ना, और जब हम प्लस करेंगे कुछ तो हम इधर साइड आ जाएंगे तो वैल्यू कैसी होगी बड़ी हो जाएगी। तो वही अब जब बड़ी वैल्यू के लिए क्या एक्स ग्रेटर देन वन माइनस वन क्या एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए क्या है एक्स प्लस फोर, और इसके लिए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करिए यहाँ, तो माइनस वन प्लस फोर, यहाँ माइनस वन का स्क्वायर, तो ये इक्वल नहीं है, यहाँ थ्री आया यहाँ वन वन आया, तो अगर ये इक्वल आते तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस का एक पॉइंट तो आ गया, क्या आया डिसकंटिन्यूस किस पर हो रहा है एक्स इक्वल माइनस वन पे, ये फंक्शन कैसा हो रहा है डिसकंटिन्यूस। अभी हमें इस पर भी तो चेक करना है। अब एक एंड पॉइंट की बात आती है, एंड पॉइंट का मतलब होता है कि जिसके या तो लेफ्ट दिया जाए या इसका राइट दिया जाए, अगर दोनों दिए गए हैं तो ध्यान रखना कि दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक गिवन है, जैसे यहाँ है, यहाँ एक्स लेस देन भी था और एक्स ग्रेटर देन भी था, इसका देखिए आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन है लेकिन यहाँ क्या नहीं है एक्स लेस देन वन नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना हमारी, तो उसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं, और एंड पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर है, क्या है लीनियर है, यानी पॉलिनोमियल एंड पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये कैसा है लीनियर है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, चेक करना चाहे करो, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते क्योंकि x 1 से बड़ी वैल्यू रखिए तो 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 0 आएगा, यानी आपका 1 रखेंगे 1 और 2 रखेंगे तो 0 आएगा, x पे 2 y पे 0, यानी कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो एंड पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है कि ये कंटिन्यूस हो जाता है। तो x इक्वल 1 रखें क्योंकि हमने क्या बताया अभी आपको कि यहां जो राइट हैंड लिमिट है वो तो है लेकिन इसकी लेफ्ट लिमिट नहीं, कहने का मतलब हमारा ये हो गया जैसे हम कोई ग्राफ बनाए, मान लो ये बनाया मैंने ऐसे बनाया, तो अब इसका ये वाला पार्ट तो है इधर साइड तो हम चल रहे हैं लेकिन इधर साइड नहीं चल रहे हैं, तो इधर साइड इसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे एंड पॉइंट पर भी हमारा फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। अगर हाँ अभी क्या बताया मैंने कि अगर एक्स लेफ्ट भी दिया जाए और ग्रेटर भी आ जाए तब दोनों पे चेक करना है, दोनों ही इक्वल होने चाहिए, लेकिन अगर एक गिवन है नहीं दूसरा गिवन है तो उस पर भी फंक्शन कैसा होता है कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल वन पर कैसा होगा हमारे पास कंटिन्यूस, और x इक्वल माइनस वन पर क्या होगा डिसकंटिन्यूस। हमसे पूछा क्या गया डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस का पॉइंट क्या आया x इक्वल माइनस वन। मैंने बताया ना कि ये कॉन्सेप्ट समझ लो या आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए कैसे, बस वैल्यू पुट करिए, अगर इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूस, इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूस। और एंड पॉइंट पर फंक्शन बताया ना मैंने क्या होता है कंटिन्यूस होता है कोई भी पॉलिनोमियल हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी लिमिट पर बेस है, ये लिमिट पर बेस है। प्रीवियस क्वेश्चन किस पे था मेरा, हमारा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पर बेस था, बताया मैंने आपको एंड पॉइंट पर, और एंड पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा होता है कंटिन्यूस होता है, तो आपको मालूम चल गया होगा। अगर उसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करना है आप लोगों को तो आप कमेंट करिए, हम और उस पर डीप में वीडियो बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे ग्राफ के थ्रू कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट पे बेस क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल पावर एक्स प्लस फोर। लिख लेते हैं क्वेश्चन इधर, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट के पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता हो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पहली बात, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है ये तो बताना पड़ेगा, पूरा टॉपिक है कब एग्जिस्ट करती है कब एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ में ये देखना होता है हम लिमिट की रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है क्या हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी लिमिट पुट करोगे ना तो ये हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है। अब बात आती है सर इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिस पर हम लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, मतलब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, पहले सॉल्व करना होता, तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनना बंद नहीं हो जाते हैं। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनते
जाएंगे तो हम लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। देखिए इंटरमेंट फॉर्म होते हैं कितने, तो इंटरमेंट फॉर्म होते हैं टोटल सेवन, कितने होते हैं सेवन। सबसे पहला इंटरमेंट फॉर्म होता है जीरो अपॉन जीरो, यानी अगर हम किसी क्वेश्चन में लिमिट पुट कर रहे हो हमारा ये वाला फॉर्म आ रहा है तो हम अभी पहले लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, क्लियर। दूसरा फॉर्म हमारे पास है प्लस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। थर्ड फॉर्म हमारे पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करें ये फॉर्म बन रहे तो यानी डायरेक्ट हम लिमिट पुट नहीं करनी है। फोर्थ हमारे पास क्या है जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं ये वाली फॉर्म बन रही तो हम लिमिट पुट नहीं करेंगे। फाइव हमारे पास है जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो बन रही है तब भी लिमिट पुट नहीं करेंगे डायरेक्ट। फिर क्या है सिक्स वन की पावर इन्फिनिटी, और सेवन हमारे पास क्या है इन्फिनिटी की पावर जीरो, क्लियर। तो ये हमारी इंटरमेंट फॉर्म होती हैं, यानी कहने का मतलब अगर ये फॉर्म हमारे पास क्वेश्चन में है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम लिमिट को पुट करेंगे, क्लियर। ओके आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इसमें लिमिट रख के देखते हैं और आपको बताते हैं कौन सी फॉर्म हमारी बन रही है। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें कि अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी होता तो उसे जीरो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन जीरो को क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, तो यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे। तो पहले लिमिट पुट करते हैं, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बता रहे हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा पहले एक्स कॉमन लीजिए तो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, यहाँ से लीजिए तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और होल पावर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं एक्स प्लस 4 ये कट गया। अब लिमिट पुट करिए तो 1 प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 4, 6 अपॉन इन्फिनिटी जीरो तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 और इन्फिनिटी प्लस 4 इन्फिनिटी, तो यानी यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 अपॉन इन्फिनिटी। बताइए कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई, बन गई ना। अच्छा 0 अपॉन 0 फॉर्म बनती है तब भी नहीं रखनी, कोई भी फॉर्म बने तो यानी कहने का मतलब लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ लिमिट हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई है, तो हमें क्या करना होगा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा वैसे इसका बहुत बड़ा तरीका होता है, हम बहुत आपको सिंपल तरीके से समझा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे, अब सिंपल तरीका क्या है सुनिएगा, कि अगर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और एफ एक्स एक फंक्शन है, उसकी पावर जो है घात जो है वो भी एक फंक्शन है, देखो ना यही तो है, ये एक एक्स वेरिएबल है और पावर में एक्स है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल से, ठीक। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस वन, यानी इस एफ एक्स में से 1 माइनस कर दीजिए और जी एक्स जो पावर है उसका करा दो मल्टीप्लाई, बट ये एक्सपोनेंशियल के अपॉन में होगी, यानी ये पूरा फंक्शन किस में हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लगाने वाले हैं कब, जब हमारी ये वाली फॉर्म बनेगी तब, देखो ना ये वाली फॉर्म बन रही थी हमारी क्योंकि हमने लिमिट डायरेक्ट पुट की तो हमारी ये फॉर्म बन रही थी, तो ये अगर फॉर्म बने तो हम क्या लगा सकते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1 जो पावर उसका मल्टीप्लाई, करिए सॉल्व। तो क्या कर देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1, कहा ना मैंने इसमें माइनस 1 कर देंगे और जो पावर उसका मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ क्या लगा देंगे एक्सपोनेंशियल, समझ में आ गया होगा। ये वैसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे हम बाई मानते हैं, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, लास्ट में आएगा यही सॉल्व तो यही आएगा, तो डायरेक्ट करते हैं ना फिर। देखिए तो अब इसे सॉल्व करिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एलसीएम कितना आएगा एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 6 माइनस का एक्स माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 4, एक्स से एक्स कैंसिल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ तो आपको मालूम है ना ई रहेगा, यहाँ के 6 में से बन गया कितना बचा 5 अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू में क्या है हमारे पास एक्स प्लस 4, क्लियर। अब देखते हैं, देखिएगा इसे हटा देते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म को, देखिए अब कैसे होगा,
अब यहाँ से सही से लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x प्लस 4 अपॉन क्या हो गया यहाँ x प्लस 1। तो e, अब ये तो समझ ही गए होंगे ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि e की पावर है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन लीजिए तो क्या जाएगा यहाँ 1 प्लस 4 अपॉन x, और यहाँ भी x कॉमन तो 1 प्लस 1 अपॉन x हो गया ना। अब लिमिट पुट कर दीजिए तो 5 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी, अभी बताया ना अगर अपॉन में इन्फिनिटी वैल्यू 0, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो e की पावर 5 या 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो e की पावर क्या आ गया 5, e की पावर 5 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये लिमिट का क्वेश्चन था, ध्यान रख लिमिट हम तभी पुट कर सकते हैं जब हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनेगी, मतलब बनना बंद हो जाएगी, यानी हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म अगर बन रही है तो लिमिट पुट नहीं करेंगे हम, पहले उसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया। कब ये क्या करा मैंने, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स है तो एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स कर देते हैं और यहाँ एक्सपोनेंशियल लगा देते ई लगा देते, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एक्स बाई टू टू एक्स साइन इनवर्स टी डी टी। जो ये क्वेश्चन है ना ये पीजीटी हरियाणा पीजीटी में आया, डी टी प्लस बी में इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डी टी प्लस बी में पीजीटी पीजीटी में आ चुका है और यूपी टीजीटी में आ चुका है इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। और आपको अच्छी बात है ये क्वेश्चन आईआईटी जेई मेंस जो अभी जनवरी में एग्जाम हुए थे ईच एंड एवरी सेट में इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिला था। यानी यहाँ हमारा एल हॉस्पिटल रूल भी लगेगा और कौन लगेगा, यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम लगती है, ठीक है। तो अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था इनडिटरमिनेंट फॉर्म बताए थे, कितने बताए थे 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म में। तो हम बताया था कि लिमिट हम तभी रखते हैं कि जब जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमारी बननी बंद हो जाती है ना। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन एक्स वाई टू एक्स साइन इनवर्स टी डी टी, ओके ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप अभी लिमिट रखते हैं तो ये हमारा फॉर्म 0/0 बन जाएगा। रखिए एक्स टेंस टू 0 है, यहाँ रखिए 0, तो देखो जहाँ एक्स उसकी जगह रखेंगे 0 तो साइन 0/0 हो जाएगा यानी अपॉन में 0। अब यहाँ रखेंगे 0 और यहाँ भी 0, तो अगर इंटीग्रेशन में लिमिट सेम होती तो वैल्यू भी 0 आ जाती है, वैल्यू क्या जाती है 0 आ जाती है। तो अगर यहाँ 0 यहाँ अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो आपका पूरा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो आपका 0/0 बन जाएगा। और अभी हमने आपको बताया था कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमारी 0/0 होती है, तो हमने क्या बताया कि लिमिट हम तब पुट कर सकते हैं जब ये हमारी फॉर्म बननी बंद हो जाए। तो इसका ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा सॉल्व। तो एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल, ये हम कब लगा सकते हैं जब हमारी ये वाली फॉर्म बनती है 0/0 वाली फॉर्म बनती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का, यानी आप अंश का अवकलन कर दीजिए और हर का अवकलन कर दीजिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टेंड करना 0 प्लस में, अब इंटीग्रेशन करिए। अब यहाँ देखो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट सुनो ये कैसे होता है, बहुत सिंपल है कि आप सबसे पहले जो अपर लिमिट है वो टी वेरिएबल की जगह पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, टी की जगह क्या पुट कर दीजिए अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एक्स का डिफरेंस डेरिवेटिव बन हो गया डिफरेंशिएट। नेक्स्ट आइए आगे, अब फिर क्या करिए माइनस लोअर लिमिट पुट करिए टी वेरिएबल की जगह, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स वाई टू, और एक्स वाई टू का फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए 1/2। कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने, पहले इसका डिफरेंशिएट सुनिए कैसे करना है। पहले क्या था इस एक्स टी की जगह एक्स पुट कर दीजिए और एक्स का डिफरेंशिएट लिख दीजिए, माइनस अपर माइनस लोअर होता है तो एक्स वाई टू रख दीजिए या टी की जगह और फिर एक्स वाई टू का डिफरेंशिएट कर दीजिए। अपॉन में आइए साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है पावर आगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर एक्स का, क्लियर।
अब आप देखिए तो सही सीक्वेंस बना लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, यहाँ क्या बचा साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन टू। अपॉन में अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला होता है साइन टू एक्स का। अब आप फिर चेक करिए क्या हम अभी लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखो एक बार सॉल्व किया, क्यों सॉल्व किया, एल हॉस्पिटल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमारी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनी थी। एल हॉस्पिटल का मींस क्या है कि न्यूमेटर का डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का। अब लिमिट फिर पुट करिए, अगर लिमिट पुट करेंगे देखो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो, यानी अभी भी हमारी ये फॉर्म रहेगी। तो अगेन आप एल हॉस्पिटल लगाइए, डेट मीन्स इस न्यूमेटर का डिफरेंशिएट करिए और डिनोमिनेटर का करिए। करते हैं देखिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस साइन इनवर्स x का क्या होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x बाई टू का क्या होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई फोर। क्लियर, x बाई टू का क्या होता होल स्क्वायर होगा ना, साइन यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब x बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू, अपॉन में आइए साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा साइन का कॉस टू एक्स और टू एक्स का टू, ये हमारे पास हो गया। अब आप लिमिट डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अब अगर लिमिट लगाएंगे तो हमारी ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी। हमने कहा था अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है तब तक हम लिमिट नहीं लग सकते डायरेक्ट, लिमिट हम तभी पुट करेंगे जब हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बननी बंद हो जाएंगे। तो लिमिट पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो वन माइनस जीरो वन, यानी आपका वन आ गया। x टेंड्स टू जीरो रखिए तो वन माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, वन माइनस जीरो के वन, और यहाँ पुट करिए जीरो अपॉन फोर यानी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू टू जा फोर, यहाँ वन बचेगा तो वन बाई फोर अपॉन, यहाँ कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो यहाँ टू बचेगा तो फोर बन गया फोर यानी थ्री बाई फोर अपॉन टू, तो आपका टू चला गया इधर तो आपका आंसर आ गया थ्री अपॉन एट। हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपके आज हमने थ्री क्वेश्चन सॉल्व कराए कैलकुलस के थ्री क्वेश्चंस। अब आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और बताइए आगे आने वाली वीडियो में और कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।